कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के दफ्तर में आज जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। वहीं कांग्रेसियों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। दरअसल कांग्रेसी पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को मिलने वाली कुटीर के पैसों की किस्तें हितग्राहियों को न मिलने से नाराज थे। उनका आरोप है कि पिछले दिनों जिस दलित मन्नू अहरवाल के पीएम आवास में मुख्यमंत्री खाना खाने गए थे, उसकी तमाम किस्तें जमा कर दी गईं, जबकि दूसरे गरीब परेशान हैं। इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेसियों ने नगरपालिका दफ्तर का घेराव किया और विवाद खड़ा हो गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेसी आमने सामने आ गए और इस बीच कांग्रेस के नेता अजय आटव के साथ मारपीट के आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस ने इस प्रदर्शन की कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी, लेकिन जब पुलिस को मालूम चला कि प्रदर्शन हो रहा है तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वहां पहुंची थी और इस दौरान हल्की झड़प हुई है। वहीं पीएम आवास योजना में गड़बड़ी के सवाल पर नगरपालिका सीएमओ का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। देखिए, हम लोग जनता की आवाज़ को उठा रहे थे, कुटीरों का पैसा गरीबों को मिले, जो आवास योजना में जिन लोगों ने पैसा जमा करा दिया उनको आवास योजना का आवास योजना मिले। कहने का मतलब ये है, जब हम लोग गरीबों की बात करने आए, गरीबों की आवाज़ को उठाने आए, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर पालिका में गुंडागर्दी कराई जा रही। ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये सब नहीं होगा जो पहले होता आया। और ये सब राहुल सिंह के जो इशारे पर हो रहा है ना, राहुल सिंह को जवाब जनता देगी, गरीब जनता देगी, उखाड़ कर फेंक देगी। आज नगर पालिका के कार्यक्रम में जो आवास योजना को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम कराया गया था, आज शिवराज सिंह की पुलिस द्वारा मैं एसटी अध्यक्ष अजय जाटव पे हाथ छोड़ा गया। कुलदीप हवलदार है, उसके द्वारा मेरे पास मारपीट की गई है। जिला कांग्रेस के उपस्थित भी यहाँ पे, जिला कांग्रेस के उपस्थित अजय टंडन जी भी है, उनने मेरे को मना किया। मैं उससे कोई ना कार्यक्रम से मैं दूर था, मैं उपस्थित मेरी कार्यक्रम में थी, मगर मैं कार्यक्रम में दूर था। पुलिस मेरे को टारगेट बना दिया हर बार, क्योंकि इसमें राहुल सिंह ने मेरे को एक कल खबर भिजवाई थी, किससे? कालू तिवारी से। कालू तिवारी ने मेरे से बोला, रात में तुमने लाइव चला के अजय टंडन के ऑफिस में जो बाइट दी है बहुत गलत दी है, क्या आप मानने से डरते नहीं हो? मैंने उससे बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कांग्रेस के लिए जिंदा हूँ, कांग्रेस के लिए मरूंगा, जिसको जो करना हो मैं कर सकता हूँ, मैं सुसंत हूँ, मैं बीजेपी वालों से नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चले। वो कुलदीप हम जो गुंडियाई करते हैं हमेशा, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आपकी वर्दी की इज्जत करता हूँ, मैं आपसे नहीं डरता, आपकी वर्दी का मैं सम्मान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जैसा आपको विदित है, मैं अभी पदस्थ ही हुआ हूँ और मुझे एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। कुछ समस्या को लेकर ज्ञापन प्राप्त हुआ है और हम ज्ञापन का परीक्षण करेंगे और किस तरह की मांगे हैं इनका भी परीक्षण करेंगे और जो भी यथासंभव उसमें कार्रवाई यथोचित होगी उसे हम करेंगे। सर, उनका कहना कि मुख्यमंत्री जिस घर में खाना खाने जाते हैं, किस डर जाती है, सेस लोग आज भी पन्नी की छत के नीचे हैं। नहीं देखिए, ये तो ठीक नहीं है। वो जो नियम से किस्तों का जमा होना होता है बीएलसी के, जिनकी पात्रता होती है उसी क्रम में वो किस्तें जमा होती है, उनका क्रम आ गया था तो उनके पैसे जमा हो गए हैं। इस योजना में भी हम इसका परीक्षण कर रहे हैं कि क्या इस तरह से कोई हुआ है जिसमें कोई अनियमितता हुई है, हम उसका भी परीक्षण कर रहे हैं और शीघ्र ही हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और शासन को तदनुसार अवगत कराएंगे। नगर पालिका के सामने मंत्री भूपेंद्र सिंह का पुतला जलाया गया। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है ये, मैं तो अभी मैंने आपके सामने ज्ञापन लिया है। थैंक यू।
इस संबंध में हमें जानकारी नहीं दी गई थी थाने में, कोई इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, ना DSB को जानकारी थी। जानकारी मिली थी कि नगर पालिका में CMO के खिलाफ ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं, पुलिस लगा दिया गया था, सब इंस्पेक्टर मनीष के नेतृत्व में आए थे लोग, फिर ऐसी जानकारी पुतला जा रहा थे जिसमें पुलिस के द्वारा रोकने पर कांग्रेसियों द्वारा उत्तेजित होकर इन्हें झपटी किया और आरक्षक के द्वारा ही बुझाया गया है। इस संबंध में थोड़ा सा मामूली जी ने झपटी हुई थी, इस संबंध में समझा दी गई थी।